नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। पटना में अब यदि आप बिना कोई काम के निकलेंगे और वो भी अगर आपके गाड़ी के लिए पास नहीं है तो कार्रवाई होगी। पटना की सड़कों पर अब सघन रूप से चेकिंग की जा रही है। जो अभियान है लोगों को सतर्क करने का, उसे और प्रभावी बनाने के लिए, इस लॉकडाउन को और प्रभावी बनाने के लिए, इनके नियमों को और दुरुस्त करने के लिए जो पटना पुलिस है वो अब सड़कों पर दिख रही है। आपको तस्वीरें दिख रही होंगी किस तरीके से ये साफ कर दिया गया है कि पटना में या पूरे बिहार में परिवहन विभाग की ओर से आदेश दिया गया है। पटना की तस्वीरें आप देख रहे होंगे। परिवहन विभाग ने ये आदेश दिया है, राज्य सरकार ने लॉकडाउन को और प्रभावी बनाने के लिए निजी वाहनों के परिचालन को रोक दिया है। इमरजेंसी और पास वाले वाहनों को ही चलने की छूट रहेगी। टू व्हीलर पर एक तथा कार में ड्राइवर समेत 3 लोग बैठेंगे। दूध, सब्जी, राशन लाने के लिए पैदल जाना होगा। ये सख्त नियम लागू कर दिया गया है। और यदि आप इसके बाद भी अपने घर से निकलते हैं, इन नियमों को बाद जानने के बाद भी अपने घर से निकलते हैं तो अंजाम कुछ ऐसा होगा। आप देख सकते होंगे किस तरीके से जो लोग बिना पास के घर से निकले हैं उसके बाद उनकी गाड़ियां सीज की जा रही हैं। उस व्यक्ति पर भी अब कार्रवाई होगी, उसे भी थाने ले जाया जाएगा और जब लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद उस व्यक्ति पर चार्जशीट किया जाएगा। तो यानी कि आपकी गाड़ी भी सीज होगी, आपकी जो कह सकें प्रतिष्ठा है उस पर भी दाग लगेगी। तो आप अपने घर में ही रहें। और कौन कौन से वो लोग हैं जो बाहर निकल सकते हैं ये भी जानना जरूरी है। थोड़ी देर पहले DGP गुप्तेश्वर पांडे भी ये कह रहे थे कि पुलिस के लिए ये टास्क थोड़ी मुश्किल भरा है, लेकिन हम इसे अच्छे से निभाएंगे। लेकिन लोगों को भी सहयोग करना होगा। लोग जो अपने घरों में सुरक्षित हैं, हर एहतियात कदम उठा रहे हैं, वो वैसे ही रहें। बहुत ज़रूरी कोई काम हो, राशन लेना हो, क्योंकि अब अभी के समय में अगर हम देखें तो हर एक मोहल्ले में दुकान है, राशन की दुकान है, आप वहाँ से राशन खरीद लीजिए। ज़्यादा सड़कों पर मत निकालिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को संबोधित किया उस वक्त उन्होंने ये भी कहा कि अब इस लॉकडाउन को फिलहाल एक सप्ताह 20 अप्रैल तक इस लॉकडाउन को और सख्ती से पालन किया जाए, यह आदेश भी दिया है। इसके बाद क्या कुछ जो नियम हैं परिवहन विभाग की तरफ से सभी ज़िलों के DM को, SSP को, SP को निर्देश दिया गया है कि सिर्फ पास वाले ही जो वाहन हैं, जिन वाहनों के पास अलॉट किए गए हैं सिर्फ वो, और उसके अलावा इमरजेंसी सुविधाएं जो दे रहे हैं जैसे कि एम्बुलेंस हो गई हो, पुलिस की गाड़ियां हो, ये सभी चीज़ें सड़कों पर दिख सकती हैं। इसके अलावा यदि आप अपने गाड़ी से सोच रहे हैं कि आप बाज़ार चले जाएंगे, सब्ज़ी ले लेंगे, फल ले लेंगे, तो ऐसा आप नहीं हो पाएगा। आपको पैदल ही जाना पड़ेगा फल और सब्ज़ी खरीदने के लिए, नहीं तो आपकी गाड़ी सीज कर ली जाएगी। कैसे की जा रही है तस्वीरें आप देख रहे होंगे, ये पटना की सड़कों की है। जब लाइव स्ट्रीम की टीम निकली हुई थी पटना की सड़कों पर तो ये तस्वीरें वहाँ से इकट्ठी कर हम आप तक पहुँचा रहे हैं। जो टीम हमारी लेकर के तस्वीरें आई है, हम चाहते हैं कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, हर एहतियात कदम बरतें। आपातकालीन सेवाओं में लगे हुए वाहनों को छूट दी गई है। निजी वाहनों से कार्यालय, बैंक, अस्पताल तथा अन्य अनुमति प्राप्त संस्थान, दुकान व कार्यस्थल तक जाने के लिए पास जरूरी है। आपको पास बनवाना होगा, आप ऐसे गाड़ी लेकर के नहीं निकल सकते हैं। आज के अगर आप प्रमुख अखबारों को पढ़ें तो अखबारों में भी ये खबरें छपी हुई हैं। लेकिन अगर आप इन सभी नियमों को ताक पर रख के अपने घर से निकलते हैं अपनी गाड़ी को लेकर के, खास करके युवा वर्ग के लोग, क्योंकि अभी आपको पढ़ाई करनी है, आगे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाना है, बहुत सारे आपके काम बाकी हैं, आप ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिए ताकि आपके छवि पर कोई दाग लग जाए, आपका नाम पुलिस थाने के रजिस्टर में दर्ज हो जाए। ऐसे काम बिल्कुल मत कीजिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, ताकि नौबत बहुत ज़्यादा ना बिगड़े। एक तो कोरोना वायरस और उसके संक्रमण से बचना भी है, वहीं दूसरी ओर घर में ही सुरक्षित रहना है, बाहर निकलेंगे तो और भी दुविधाएँ बढ़ेंगी। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।